हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो वीडियो मैं वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैं रात को खाना बना रही थी, और मैं क्या बना रही हूँ, तो ये सुबह नाश्ते में मैंने सेवैया बनाई थी। इसको थोड़ा सा और दूध डाल के गर्म कर दूँगी। और ये मैंने काट के रखे हैं, ये वही जो कचरिया, और ये केला आ गया था कच्चा वाला, तो इसको भी मैं तल लूँगी। और अंडे की भुर्जी की सब्जी बना रही हूँ मैं। और सुबह का तो खाना पूरा रखा हुआ है। और यहाँ ये चावल रखा हुआ है, तो चावल तो नहीं बनाने हैं, सिर्फ सब्जी और रोटी बनानी है। कार्तिक, कर लो जल्दी जल्दी कर लो, वो कर लो कॉपी फटाफट से कर लो, फिर पापा आ जाएंगे। नहीं और तो मैं खाना बनाने लगी हूँ, और खाना तो ज़्यादा बनाना नहीं है क्योंकि खाना रखा हुआ था ज़्यादा। आज सुबह ही हमने नाश्ते में और भी चीज़ें बनाई थी, जो कि मैंने आप लोगों से दिखाई सेवैया, और कुछ खाना रखा भी हुआ है। क्योंकि जल्दी जल्दी में गए थे तो हम लोग खाए पिए नहीं थे, तो इस कारण से खाना रखा है। तो बस, और यहाँ पर मैं मैंने ये केला कच्चा निकल गया था तो उसको भी सेक लिया है, और ये कचरिया, तो यही सब बना रही हूँ, मतलब ये तल ले रही हूँ। और ये बहुत अच्छे लगते हैं, पता है, अगर इनको ऐसे ही चिप्स जैसे तल के बनाते हैं, और नमक बस ऐसे ही उस पर स्प्रिंकल कर दो तो अच्छा लगता है। और मेरे लिए तो ये बहुत ही अच्छा हो गया, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा थक गए थे हम लोग, तो बिल्कुल हिम्मत भी नहीं हो रही थी मेरी कुछ बनाने की। तो ये खाना इसी को रीयूज कर लूँगी मैं, तो बस हम लोग यही खा लेंगे। और तो बस इसे मैं बचे हुए तेल में अच्छे से फ्राई कर लूँगी, इसे मतलब ऑमलेट की तरह। और ये देखिए, मैं इन पर नमक डाल रही हूँ, छिड़क रही हूँ, तो ये बहुत ही अच्छे लगते हैं इस तरह से सिंपल। और क्या हुआ था, केले लेकर आई थी मैं, तो उसमें से एक केला कच्चा निकल गया था, तो इस तरह से मैंने इसे सेक लिया है, और इनको भी अच्छे से, ये बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। तो मैंने यहाँ पर अंडे को अच्छे से तल लिया था, और यहाँ पर एक प्याज ऐसे ही किस लिया था मैंने। फटाफट से साथ के साथ करते जाओ तो जल्दी हो जाता है काम, तो उसे भी अच्छे से भून लूँगी। और थोड़े से मसालों के साथ बना रही हूँ, एक ही प्याज है, और थोड़ा थोड़ा सा मसाला लूँगी, आधा आधा चम्मच, ज़्यादा नहीं। तो सारे मसाले मैं इसमें डाल लूँगी, और इसे अच्छे से 2 मिनट के लिए तेल में ही ऐसे ही भून लूँगी। फिर उसके बाद इसमें पानी डाल दूँगी हल्का सा, और इसके बाद इसमें मैं एक टमाटर भी डाल दूँगी किस के, तो बस सब्जी तैयार हो जाएगी। और इसका आज का वीडियो मैं इतना ही इसमें शेयर कर पाऊँगी, क्योंकि इसके बाद फिर मैंने, हम लोगों ने खाना वाना खाया था, और मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। यहाँ पर ये सब्जी बस तैयारी हो गई है, मसाला अच्छे से भुन गया था, तो मैंने ये अंडे की भुर्जी इसमें डाल दी है, और अपनी क्वांटिटी के अनुसार इसमें मैं पानी डाल दूँगी, तो थोड़ा सा ही डालूँगी क्योंकि नेक्स्ट डे धनतेरस है, तो आज ही ख़त्म करेंगे। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और आप लोगों से मिलूँगी नेक्स्ट दिन, तो कल मिलूँगी आप लोगों से, क्योंकि इसके बाद ना बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई मुझे मोबाइल उठाने की, और नींद भी बहुत आ रही थी, तो बस नेक्स्ट दिन मिलूँगी आप लोगों से। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी लोग? मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज है धनतेरस, तो मेरी तरफ से आप सभी लोगों को हैप्पी धनतेरस मेरी फैमिली की तरफ से। और आप लोग क्या कर रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अभी मैं जाने वाली हूँ, कुछ छोटी मोटी चीज़ लेकर आऊँगी, तो क्योंकि मैं हर साल लेती हूँ बर्तन लेती हूँ, पर इस साल बर्तन नहीं, कुछ और सोचा है, तो देखती हूँ क्या लाती हूँ। जो भी लाऊँगी आप लोगों से शेयर करूँगी। और प्लीज़ अगर मेरे चैनल पर अभी आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और अपने फैमिली दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।
तो आई होप मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएंगे। तो चलिए थोड़ी सी कल के बारे में बात कर लेते हैं आप लोगों से। तो जब मतलब गाड़ी के बारे में, तो हम लोगों ने गाड़ी ले ली और मतलब कंफ्यूज हो रहे थे हम लोग वहाँ जाकर कि हम लोगों ने बुकिंग की थी स्कूटी के लिए, छोटी वाली जो पैप आती है वो। तो कंफ्यूज ये हो रहा था कि कल के लिए अगर दिक्कत ना हो कि सबसे छोटी वाली हो जाती है ना वो, इस कारण से। पर हमारा भी बजट हिल रहा था उस समय भी कि बजट के बाहर या अंदर ना हो जाए। तो फिर हम लोगों ने सोच, मतलब मेरे हस्बैंड ने कैंसिल कर दिए, फिर वो वाली दूसरी ले लिए हैं जुपिटर। तो वैसे कई लोग सजेशन कर रहे थे कि एक्सेस लेना था, तो अब गाड़ी चलाने के ऊपर रहती है एक्सेस लें या जुपिटर लें। तो गाड़ी चलाने के ऊपर कैसी चलती है, बाकी हर चीज़ में क्वालिटी का फ़र्क तो होता ही है। पैसे ज़्यादा लगते हैं तो उस चीज़ में क्वालिटी भी ज़्यादा होती है और क्वालिटी के अनुसार ही पैसे लगते हैं। तो इतने में ही तो हमारा बजट हिल गया था, तो मुश्किल हो रहा था लेना। फिर भी कैसे भी करके हमने बजट को बना लिया था कि चलो यही ले लेते हैं। फिर और पहली बात तो हमने सपने में भी नहीं सोचा था मैंने कि मैं कभी गाड़ी भी लूँगी, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें ही नहीं ले पाती। फिर तो मैंने गाड़ी ले ली है, तो ज़रूरी वाली चीज़ थी इसी वजह से। तो बहुत सी चीज़ ऐसी होती है ना कि कभी करने का सोचते नहीं हैं और वो हो जाता है। तो बस इसी तरह से मेरा भी मतलब सपना पूरा हो गया एक। तो और हम जैसे मामूली लोगों के लिए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है गाड़ी लेना, तो क्योंकि इससे बड़ा सपना और क्या हो सकता है। तो ये तो बहुत बड़ा सपना हो गया। अब इसके बाद बचा है बस घर की बारी, तो वो भी देखते हैं कितने साल लगते हैं, क्योंकि अब उसको भी बनाना थोड़ा मतलब मुश्किल है, पर कोशिश करने से सब होगा। और आप लोगों को कैसी लगी मेरी गाड़ी ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और उसका कलर तो आप लोग भी बताइएगा कि मैंने ठीक किया या नहीं, या कोई गलत ऑप्शन तो नहीं चुना। वैसे मैंने आप लोगों से पूछा तो नहीं है पहले, मतलब आप लोगों से सजेस्ट नहीं कर पाई, पर मतलब प्लानिंग नहीं थी, पर अचानक से जाना पड़ा तो हो गया काम। फिर भी मैं आप लोगों से पूछती हूँ, ज़रूर बताइएगा। अभी दिखा देती हूँ गाड़ी भी अभी घर आने के बाद। एक तो एक समस्या ये हो गई थी कि यहाँ पर ना गाड़ी रखते नहीं बन रही थी, वो जगह हमने बनाई हुई थी वो, तो फिर ये डब्बे यहाँ रखे हुए थे तो मैंने वहाँ रख दिए हैं। तो फिर मुझे ये जगह बनानी पड़ी, क्योंकि सीधे सीधे गेट से आएगी तो यहाँ पर ज़्यादा सही रहेगी, क्योंकि वहाँ पे मोड़ने में ना क्या हो रहा था कि डर था कि कुछ भी ख़राब वराब ना हो जाए, इस वजह से वहाँ ना बना के यहाँ जगह बना ली। तो अभी तो फ़िलहाल बस ऐसे ही रखेंगे, देखते हैं फिर। और जिस मॉडल की गाड़ी हम लोगों ने ली है ना, वो नया मॉडल है, क्योंकि इस मॉडल की गाड़ी कम से कम हम लोगों ने लगभग 300 से 400 रूम में देख ली थी, तो नहीं थी क्योंकि ये अभी अभी आई हुई है। तो ये मॉडल की गाड़ी कहीं नहीं मिल रही थी, वो तो हमने बुकी मतलब जिस दिन गए थे उसी टाइम हम शाम को बुकिंग करके आ गए थे, पर सुबह लेने चले गए थे तो वो मिल गई है। इसका नाम है शायद जुपिटर ZX, अभी आई हुई है, शायद आप लोगों को पता होगा। तो इसका मॉडल अभी नहीं आ रहा है क्योंकि ये नई वाली बन रही है। तो अब बज गए हैं शाम के 4, तो चलिए अब मैं बनाती हूँ चाय। तो अब मैं चाय बनाऊँगी, और हस्बैंड अभी गाड़ी लेकर राशन लेने गए हैं, तो इस वजह से मैं नहीं देखा पाई हूँ बस। आ गए पापा, आ रहे, एक मिनट। तो ये आ गई है गाड़ी, आप लोग देख लीजिए और बताना कि कैसी लगी मेरी गाड़ी। ये हमारे हस्बैंड की चॉइस है। हाँ रुको, एक मिनट एक मिनट।
दोस्तों, मैं चाय बना रही थी और मेरे हस्बैंड आ गए हैं और आप लोग देख ही रहे होंगे कि मैं कितनी खुश हूँ। तो मतलब मेरी खुशी का तो आज ठिकाना ही नहीं है। तो बहुत ही खुश हूँ मैं, क्योंकि इतनी बड़ी इच्छा जो पूरी हुई है मेरी क्या, मेरे घर में सभी लोगों की। तो बस मतलब सारी दिक्कतें इस चीज़ के कारण सारी दूर हो गई हैं। तो अब जो भी काम करना होगा जल्दी से झटपट से हो जाया करेंगे, क्योंकि हम लोग क्या है कि दोनों जन जॉब करते हैं ना, तो इस चीज़ की ज़रूरत होती है। ये तो आप लोग समझ ही सकते हैं, छोटी मोटी मतलब काम के लिए भी और हर चीज़ के लिए। तो बस यहाँ पर मेरे हस्बैंड मुझे बता रहे थे चलाना, तो वो ऐसे ही उस पर मतलब चाबी लगा के और मुझे मतलब बता रहे कि कैसे चलाना है, क्योंकि मैंने कल चलाई थी ना तो मुझे बड़ा डर सा लग रहा था, तो फिर मैंने दोबारा नहीं चलाई। तो वो मुझे वही बता रहे हैं कि इस तरह से ऐसे साइकिल की तरह है, मतलब ये जैसे साइकिल चलाते हैं उसके ही जैसे है, कोई इसमें बहुत मतलब वो नहीं है कि नहीं बनेगी। तो देखते हैं बनने लगेगी आराम आराम से, क्योंकि ना ऐसी चीज़ें हाँ एकदम से भी नहीं चलानी चाहिए। मैं बहुत पहले चलाती थी पहले अपनी फ्रेंड की, ज़्यादा नहीं चलाई है, एक ही दो बार बहुत पहले। तो बस उसके बाद मैं अब बहुत काफ़ी टाइम हो गया, तो तब तक याद भी मतलब भूल गई हूँ मैं, तो बस सीख जाएंगे। तो यहाँ पर बस वही हो रहा था, हम लोग सीख रहे हैं गाड़ी चलाना और मैं चाय चढ़ा कर आ गई हूँ अंदर। तो अब बस मैं चाय चढ़ा लेती हूँ। और कैसा लगा आज का मेरा वीडियो आप लोगों को? प्लीज़ पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, अपने फैमिली दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना और बताना मुझे कि मेरे मतलब गाड़ी कैसी लगी, आप लोगों को पसंद आई। तो प्लीज़ मैं आप लोगों के कमेंट का वेट करूँगी। तो चलिए मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ, हम मिलेंगे किसी अच्छे से वीडियो के साथ। थैंक यू।